अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। सबसे पहले मैं आपको अपने चैनल गाइडलाइन में वेलकम करूंगी। आई होप कि आप सबको जो है मेरा चैनल जो है वो पसंद आ रहा होगा, और जिन और अपने चैनल में मैं जो जो टॉपिक्स लाती हूं, आई होप को कि वो आप सबको क्लियर हो जाते होंगे इजीली। ठीक है, मेरा मकसद ही गाइडलाइन का यही है कि आप सबको जो है वो आसान वे में समझाऊँ, ईज़ी लैंग्वेज इस्तेमाल करूं, आसान लफ्ज़ इस्तेमाल करूं, जो कि एक आम नॉन प्रोफेशनल इंसान को जो है वो आराम से ईज़िली समझ में आ जाए। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक मैंने डिसाइड किया है आप सबको बताने के लिए वो है कि आप अपना अगर कोई चैनल बनाते हैं तो आपके पास प्रोफेशनल जो है आपके पास स्किल नहीं है, और आप चाहते हैं कि आपके चैनल पर जो आपका इंट्रो है वो इस तरह का नज़र आए कि वो एक पता चले कि किसी प्रोफेशनल ने बनाया है। ठीक है, तो बट आपके पास वो सब स्किल्स नहीं है, आप नहीं बना सकते, बट आपको आप चाहते हैं कि आपका चैनल जो है वो यानी कि लोगों को अट्रैक्ट करे, तो ही आपके जो आपको पता है कि लोग जो हैं उस वक्त आते हैं आपके चैनल पर जब आपकी चीज़ें जो हैं वो इस तरह की होंगी कि लोगों को अट्रैक्ट करेंगी। ठीक है, तो जो है उसके लिए आपका सबसे पहले पहला स्टेप है वो आपका इंट्रो है। अगर आपका इंट्रो अपीलिंग नहीं होगा तो आपका जो है वो चैनल जो है वो ग्रो नहीं करेगा, लोग नहीं आएंगे, व्यूज़ नहीं आएंगे, सब्सक्राइबर नहीं आएंगे। तो फिर आप तो मैंने आज सोचा है कि आप सबको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो किस तरह से जो है वो आपने इंट्रो बनाना है वो बताने के लिए ये टॉपिक आज का डिसाइड किया। ठीक है, तो जो है ये वाला आपने इंट्रो जो बनाना है उसके लिए मैं आपको सबसे पहले बताती हूँ कि आपने करना क्या है। सबसे पहले आपने गूगल पर जाना है। ठीक है, गूगल पर आप गए तो वहाँ पर आपने जो है वो टेक्स्ट बार में आप लिखेंगे रेंडर फॉरेस्ट। ठीक है, रेंडर फॉरेस्ट आपने लिखा, क्लिक किया, रेंडर फॉरेस्ट की वेबसाइट को आप ओपन करेंगे, देन वहाँ पर वीडियो टेम्पलेट्स का ऑप्शन होगा, वहाँ क्लिक करेंगे। ठीक है, तो आप देखेंगे मुख्तलिफ तरह की वीडियो टेम्पलेट्स आए हुए होंगे। ठीक है, जो कि वो बना कर देते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, एक दो मैं आपको चला कर दिखाती हूँ। ये देखिए कि किस तरह से बनाए हुए हैं कि आप लोग जो हैं उसको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो बनवा सकते हैं इस वेबसाइट के थ्रू। ठीक है, आप क्योंकि आप जो है ये देखिए अगर आप अपना लोगो देंगे तो फिर वो आपको जो है वो आपको बहुत अच्छा सा जो है आपको इंट्रो आपका बना कर देंगी। ठीक है, एक और वीडियो भी मैं आपको दिखाती हूँ कि कितना अच्छा इन्होंने बनाया हुआ है, आप ये देख सकते हैं। आप देखें कि कितना अच्छा लग रहा है ये वीडियो इन्होंने बनाई हुई है। मैं बड़ी करके दिखा रही हूँ, फुल स्क्रीन पे नहीं, चलें छोटी करके दिखा देती हूँ। वीडियो जो टेम्पलेट्स हैं वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। इन्होंने बहुत सारी चीज़ें दिखाई हुई हैं। एक ये मैं खोलती हूँ, इसको ज़रा चेक करते हैं, हम खोल के देख लेते हैं। चलें अब मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह यहाँ से क्रिएट का जो ऑप्शन है वहाँ पर आप क्लिक करेंगे, देन आपने यहाँ से क्लिक किया अपना क्रिएट का ऑप्शंस पर। ठीक है, ये मैंने क्लिक कर दिया है, देन अभी थोड़ा सा वेट। आपने यहाँ पर अपना लोगो डालना है। ठीक है, ये वाली जगह है जहाँ पर आपने अपना लोगो डालना है, तो आप ब्राउज़ करेंगे। ठीक है, ब्राउज़ पे आ जाएंगे आप, ब्राउज़ पे जहाँ पर भी आपने अपना लोगो लगा है कंप्यूटर से वो निकाल के वो जो है वो आप यहाँ पर ब्राउज़ कर लेंगे। मैंने जो है ये रखा हुआ है अपना लोगो, वो मैं यहाँ पर डाल दूँगी। देखिए ये मैंने अपना लोगो रखा हुआ है, एक मैंने लोगो ले लिया था गूगल से विकीमीडिया के नाम से। ठीक है, ये मैंने ले लिया यहाँ से, आप वैसे अपना साइज़ भी कर सकते हैं। ये मैंने इसके ऊपर डाल दिया, कंफर्म कर लिया। ठीक है, कंफर्म कर लिया अपना लोगो, देन जो है देन म्यूज़िक जो है वो आपने डाला है। अब म्यूज़िक का भी ऑप्शन इन्होंने दिया हुआ है। ठीक है, तो आप यहां से अपलोड अपना योर म्यूज़िक भी कर सकते हैं, और इन्होंने अपना दिया हुआ ये आप कंप्यूटर से अपना अपलोड भी कर सकते हैं, बट हम इन्हीं का ही ले लेंगे जो इन्होंने हमें दिया है वो ही ले लेंगे। अब हम अपना प्रीव्यू चेक करेंगे। आपने बाय हाई क्वालिटी वाला नहीं लेना बल्कि फ्री प्रीव्यू लेना है। ठीक है, आपने फ्री प्रीव्यू पर क्लिक किया,
अब आपकी वीडियो जो है वो तैयार हो रही है। 2 मिनट्स का आपने अपना एस्टिमेटिंग टाइम इन्होंने दिया हुआ है, और रेंडरिंग के लिए आपका प्रिपेयरिंग हो रहा है योर मीडिया, ठीक है। आपने कुछ देर इंतज़ार करना है 2 मिनट्स तक, ठीक है। देखें आपका इन्होंने बना कर दिया है, देन अब हम वॉच करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं हमारा किस तरह से इन्होंने बना कर दिया है। स्टार्ट हो रही है, देखिए कितना अच्छा इफेक्ट आ रहा है। देखिए वही जो लोगों, अब ये है कि इनका renderforest.com का इनका ये आएगा वाटरमार्क तो, बट आपने अगर इसको हटाना है, रिमूव करना है, तो आपको कुछ पैसे चाहिए देने होंगे। बट आप इनको क्रेडिट दे दीजिएगा, क्योंकि बहुत बड़े बड़े चैनल जो होते हैं वो क्रेडिट देते हैं, म्यूज़िक का क्रेडिट देते हैं। आप अगर आप चेक करेंगे बड़े बड़े चैनल्स को, तो उन्होंने क्रेडिट दिया होगा, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। मैंने भी अपना जो म्यूज़िक अपने उसमें इंट्रो में यूज़ किया, उसमें भी मैंने क्रेडिट दिया है, ठीक है। तो आपने भी जो है वो क्रेडिट देना है, ठीक है, ताकि जो है आप यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं अपनी वीडियो को, एंड देन यूज़ कर सकते हैं अपने चैनल के लिए, ठीक है। तो जो है आप जो है वो म्यूज़िक का क्रेडिट जिस तरह से देते हैं, तो आप इनकी वेबसाइट को भी क्रेडिट दीजिएगा, ठीक है, कि आपने वहाँ से बनाया है। तो आई होप कि आपको ये टॉपिक ईजिली समझ में आ गया होगा, और अभी के लिए जो है मुझे इजाज़त दीजिए, मैं नेक्स्ट टॉपिक में आपसे मिलूँगी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।